नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है, सेम वही देखो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो ऊपर क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे क्या आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान से देखना आप किस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि सर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेल्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना सीखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज समथिंग जो हमें सीखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के काफी सारे तरीके हैं, यहाँ पे देखना सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर प्लस कर दोगे अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, माइनस कर दोगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नोट करो इसको, देखो लिखो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप प्लस करते हो अदर इनकम्स, ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करते हो अदर इनकम्स और उसमें से माइनस करते हो अदर एक्सपेंसेस, तब कहां पहुंचते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो अदर ऑपरेटिंग इनकम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर ऑपरेटिंग इनकम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो किस पे पहुंचते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास। ठीक है, फिर देखो किसको प्लस करते हो आप, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आप प्लस करते हो और माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो ये क्या आता है आपका नेट प्रॉफिट आता है। हाँ जी, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, किस पे पहुंच जाते हो नेट प्रॉफिट के पास। हाँ रिकॉर्ड कर लिया इसको ऐसे ही। अब ध्यान से देख लो, हमें ये निकालना है फॉर्मूले में, हमें ये निकालना है फॉर्मूले में, ध्यान से देखो ऊपर से अगर नीचे आ रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करा, किसके पास पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास पहुंच गए। ये हमने फॉर्मूले के लिए निकाल लिया। सबसे पहला फॉर्मूला तो आपको ये वाला गिवन है बुक के अंदर, तो ये वाले फॉर्मूले के ऊपर तो मैं टिक कर देता हूँ। बेटा अब आप यहाँ पर कहाँ पे खड़े थे, नेट प्रॉफिट के पास खड़े हो ना, ध्यान से देखो आप कहाँ पर खड़े हो, देखो ध्यान से यहाँ पे खड़े हो, पहुंचना कहाँ पर है यहाँ पर, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करोगे माइनस, नहीं ऊपर से नीचे आए थे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए थे, नीचे से ऊपर जाओगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे ना, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और इनकम का क्या हो जाएगा माइनस, तो प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर रहे हो माइनस। तो देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट से अगर आप किसके पास जा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास जा रहे हो, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो प्लस और माइनस किसको कर रहे हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। समझे मेरी बात, नहीं समझे वो तो मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बताया ना, नीचे अगर तो मैं तुम्हें नेट प्रॉफिट से ऊपर ले जाओ, अगर आप नेट प्रॉफिट से इसके नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास जाओगे तो जो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और ये जो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। समझे मेरी बात, नहीं समझे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे जब आ रहे थे तो ये प्लस हो रहा था माइनस हो रहा था, अब वापस ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा रिवर्स, ठीक है। चलो तो ये वाला फॉर्मूला भी डन, ये वाला फॉर्मूला भी डन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से किसको माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है COGS plus operating expense, तो sales में से minus कर दिया COGS को और minus कर दिया operating expenses को, तो किस पे पहुंच गए operating profit। ध्यान से पहले इन तीन formulas को देख लो, कोई doubt है तो मेरे से पूछ लो।